नमस्कार, मेरा नाम आलम दफोटी है। मैं स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी विभाग में एकेडमिक एसोसिएट के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो लेक्चर का अध्ययन करने के पश्चात आप स्पेलिंग कैसे चेक किया जाता है इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, एनिमिनेटिंग टेक्स्ट कैसे कार्य करता है, सेविंग एंड प्रिंटिंग कैसे किया जाता है, पेज सेटअप क्या होता है, दस्तावेज को कैसे सेव किया जाता है, हेडर और फुटर कैसे लागू किया जाता है, पावर पॉइंट प्रोग्राम से कैसे बाहर निकला जाता है, इन सभी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले आता है स्पेलिंग जांचना। आपके प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट सही हो यह सुनिश्चित करने के लिए पावर पॉइंट आपको कई तरीके प्रदान करता है। आप स्पेलिंग की जाँच कर सकते हैं, शैली में त्रुटियों का पता लगा सकते हैं और कस्टम शब्दकोश का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मेन्यू बार पर रिव्यू पर जाएं, तत्पश्चात स्पेलिंग कमांड का चयन करें या कीबोर्ड पर F7 कुंजी दबाकर आप प्रेजेंटेशन में स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले नंबर एक, स्पेलिंग चेकर आपको उस पहले शब्द की स्पेलिंग में सुधार करने के लिए संकेत देगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। नंबर दो, यदि स्पेलिंग ठीक है और एक ही शब्द प्रेजेंटेशन में कई बार प्रकट होता है तो इग्नोर या इग्नोर ऑल पर क्लिक करें। नंबर तीसरा, यदि शब्द गलत लिखा गया है तो एक सजेशन यानी कि सुझाव को हाईलाइट करें या चेंज टू बॉक्स में स्वयं का सुधार लिखें। इस शब्द को सही करने के लिए चेंज पर क्लिक करें या पूरे प्रेजेंटेशन में इस शब्द को बदलने के लिए चेंज ऑल पर क्लिक करें। नंबर चार, स्पेलिंग जाँच को बंद करने के लिए क्लोज पर क्लिक करें। नंबर पाँच, जब स्पेलिंग चेकर पूरे प्रेजेंटेशन को पढ़ लेगा तब आपको यह बताते हुए एक विंडो प्रदर्शित होगी कि स्पेलिंग जांच पूर्ण हो गई है और ओके पर क्लिक करें। इसके बाद आता है एनिमिनेटिंग टेक्स्ट। एनिमिनेशन आपके प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर लागू होता है, उन्हें गति सहित ध्वनि या दृश्य प्रभाव प्रदान करता है। आप महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने, जानकारी के प्रवाह को नियंत्रित करने और अपनी प्रस्तुति में दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए एनिमेशन का उपयोग कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन में एनिमेशन कैसे लागू करें? नंबर एक, उस टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट का चयन करें जिसे आप एनिमेट करना चाहते हैं। नंबर दो, एनिमेशन समूह में प्रेजेंटेशन टैब पर जाएं और एनिमेशन इफेक्ट का चयन करें जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। नंबर तीसरा है, कस्टम एनिमिनेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप जिसे एनिमिनेट करना चाहते हैं उस टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट का चयन करें। नंबर चार, एनिमिनेशन ग्रुप में से एनिमिनेशन टैब पर जाएं, तत्पश्चात कस्टम एनिमिनेशन का चयन करें जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। नंबर पाँच, एड इफेक्ट बटन पर क्लिक करें और इफेक्ट का चयन करें जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। अब इफेक्ट जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है इंट्रेंस। इसका उपयोग टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को स्क्रीन में एंटर करना होता है। नंबर दूसरा है एम्फेसिस। इसका उपयोग जो स्क्रीन में पहले से ही दिखाई दे रहा है टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट ऐड करने के लिए होता है। नंबर तीसरा है एग्जिट। इसका उपयोग स्क्रीन को एग्जिट करने के लिए होता है। नंबर चार, मोशन पाथ्स का उपयोग एक निर्धारित पैटर्न में टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करना होता है। एनिमेशन प्रभाव का समय संशोधित किया जा सकता है। यह तीन प्रकार से किया जा सकता है। नंबर एक, स्टार्ट ऑन क्लिक। नंबर दो, स्टार्ट इन प्रीवियस। नंबर तीन, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। इफेक्ट की गति को समायोजित भी किया जा सकता है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। कस्टम एनिमेशन प्रभाव पर राइट क्लिक करें और फिर इफेक्ट के विकल्प पर क्लिक करें यह निर्दिष्ट करने के लिए कि टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट कैसे लागू होता है जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। एनिमेशन का रिव्यू देखने के लिए प्ले बटन का चयन करें जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना। प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए मेन्यू बार पर ऑफिस बटन पर जाएँ, तत्पश्चात प्रिंट कमांड का चयन करें। इसके बाद प्रिंट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। प्रिंट बॉक्स में निम्न विकल्प चुनें। सबसे पहला विकल्प जो आता है वो है प्रिंट रेंज। प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड प्रिंट करने के लिए ऑल चुनें। वर्तमान स्लाइड को प्रिंट करने के लिए करंट स्लाइड का चयन करें।
या कुछ स्लाइड प्रिंट करने के लिए स्लाइड फील्ड में स्लाइड संख्या एंटर करें। कॉपीज, प्रिंट रेंज के प्रत्येक स्लाइड की कॉपीज की संख्या एंटर करें या आवश्यक हो तो कोलेट बॉक्स जांचें। अब क्या प्रिंट करें? स्लाइड पूरे पेज पर एक स्लाइड प्रिंट करता है। हैंडआउट्स प्रत्येक पेज पर आपके द्वारा निर्दिष्ट की गई स्लाइड प्रिंट करता है। नोट्स पेज स्लाइड के नोट्स के साथ एक पेज पर केवल एक स्लाइड प्रिंट करता है। आउटलाइन व्यू प्रेजेंटेशन की रूपरेखा प्रिंट करता है। प्रिंट करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करें, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन को फाइल के रूप में सेव करें। अपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड को फाइल के रूप में सेव करने के लिए मेन्यू बार पर ऑफिस बटन पर जाएं, तत्पश्चात सेव एज का चयन करें या शीट्स पर बने टूल बार पर सेव बटन पर क्लिक करें। सेव एज डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है। उस फोल्डर और ड्राइव का चयन करें जहां आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। फाइल का नाम लिखें, उसके बाद सेव एज डायलॉग बॉक्स में सेव में क्लिक करें, जैसे कि दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन को वेब पेज के रूप में सेव करना। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, मेन्यू बार पर ऑफिस बटन पर जाएं, तत्पश्चात सेव एज का चयन करके प्रेजेंटेशन को सेव किया जा सकता है। हालांकि अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को इंटरनेट पर पोस्ट करना चाहते हैं तो आपको उन्हें वेब पेज के रूप में सेव करना चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट को देखने वाले लोग उस प्रेजेंटेशन को देख सकें, भले ही उनके कंप्यूटर में पावर पॉइंट इंस्टॉल ना हो। इसके लिए सबसे पहले आप ऑफिस बटन पर जाएं, तत्पश्चात सेव एज का चयन करें और ड्रॉप डाउन मेन्यू से वेब पेज कमांड का चयन करें। लुक इन ड्रॉप डाउन मेन्यू से नेटवर्क पर वेब पेज की डायरेक्टरी या फाइल नेम बॉक्स से फाइल के नाम का चयन करें। प्रेजेंटेशन को वेब फॉर्मेट में सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करें, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। इसके बाद आता है हेडर और फुटर क्या है। हेडर और फुटर में उस मैटर को सेट किया जाता है जिसको हमें डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर शो करना होता है। इसमें जो मैटर या टेक्स्ट जोड़ा जाता है वह डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के ऊपरी हिस्से में हेडर और पेज के निचले हिस्से फुटर में शो होता है। इसकी सेटिंग पेज सेटअप के लेआउट ऑप्शन से की जाती है। इस ऑप्शन से डॉक्यूमेंट में हेडर एवं फुटर को लगा सकते हैं। इसके साथ हेडर एवं फुटर टूलबार शो होने लगता है। यह डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर शो होता है। अब आता है हेडर क्या होता है। पेज के सबसे ऊपरी हिस्से को हेडर कहा जाता है। हेडर पेज के टॉप मार्जिन में जोड़ा जाता है। इसमें पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस, डेट, टाइम, ऑटो टेक्स्ट आदि को जोड़ा जाता है। इसकी टूल बार से हेडर से फुटर में तथा फुटर से हेडर में जा सकते हैं। स्क्रॉल करके भी इस कार्य को किया जा सकता है। इसकी टूल बार की सहायता से इसको मैनेज भी किया जा सकता है। अब आता है फुटर क्या होता है। पेज के सबसे नीचे वाले हिस्से को फुटर कहते हैं। यह पेज के निचले हिस्से में होता है, अर्थात यह पेज के बॉटम मार्जिन में लगाया जाता है। इसका उपयोग फुटनोट, पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस डालने के लिए किया जाता है। इसके मार्जिन को पेज सेटअप से सेट किया जाता है। इसमें वह सभी आइटम्स जुड़े जा सकते हैं जो हेडर में जुड़े जाते हैं। हेडर फुटर टूलबार के क्लोज बटन पर क्लिक करके इसको क्लोज किया जा सकता है। हेडर या फुटर पर डबल क्लिक करके इसमें एडिटिंग का कार्य भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेविंग और प्रिंटिंग। आप अपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड को एक फोल्डर में फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं। आप स्लाइड को वेब पेज के रूप में भी सेव कर सकते हैं, ताकि आप उन्हें इंटरनेट पर पोस्ट कर सकें। इसमें भी प्रिंटिंग उसी तरीके से होती है जैसे कि आपने वर्ड, एक्सेल में की है। अपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड को प्रिंट या सेव करने से पहले अपने पेजों को सेटअप करना याद रखें। अब आता है पेज सेटअप। प्रेजेंटेशन की स्लाइड को प्रिंट करने के विकल्पों पर पहुंचने के लिए मेन्यू बार से ऑफिस बटन पर जाएं, तत्पश्चात प्रिंट प्रीव्यू का चयन करें। प्रिंट हुई स्लाइड जिस फॉर्मेट का उपयोग करेगी उसका चयन स्लाइड ड्रॉपडाउन मेन्यू से करें, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। इसके बाद आता है मास्टर स्लाइड बनाना। यदि आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए अपनी कोई डिजाइन स्वयं बनाना चाहते हैं तो यह कार्य
मास्टर स्लाइड के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। किसी मास्टर स्लाइड में बैकग्राउंड, लोगो, फॉन्ट, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, डेट, टाइम, पेज नंबर आदि ऑप्शन को एक साथ मास्टर स्लाइड के द्वारा आसानी से बदला जा सकता है। प्रत्येक प्रेजेंटेशन में अलग अलग मास्टर स्लाइड होते हैं। नंबर एक स्लाइड, नंबर दो टाइटल, नंबर तीसरा हैंडआउट, नंबर चार स्पीकर नोट्स। पावर पॉइंट में पहले से बनी हुई कुछ मास्टर टेम्पलेट उपलब्ध होते हैं जो डिजाइन टेम्पलेट में स्टोर किए जाते हैं। जब आप किसी भी डिजाइन टेम्पलेट को चुनते हैं तो उसके अनुसार आपकी प्रेजेंटेशन भी बदल जाती है और आप चाहें तो उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार सुधार भी कर सकते हैं। आप मास्टर स्लाइड में जो भी सुधार करते हैं वह आपकी प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइडों में अप्लाई हो जाती है। मास्टर स्लाइड में परिवर्तन करने के लिए निम्न प्रक्रिया है। नंबर एक, सबसे पहले आप अपनी प्रेजेंटेशन को ओपन कीजिए। नंबर दो, इसके बाद व्यू मेन्यू में स्थित मास्टर ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। मास्टर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें से स्लाइड मास्टर ऑप्शन को चुनिए, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। इस मास्टर स्लाइड में आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आप जिस ऑप्शन में सुधार करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। इन ऑप्शन के द्वारा आप अपनी स्लाइड में फॉन्ट, फॉन्ट कलर, स्टाइल, फॉन्ट साइज आदि में बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। नंबर तीसरा है, किसी तत्व को दूसरे स्थान पर लगाने के लिए उसे माउस पॉइंटर से पकड़कर उस ऑप्शन पर ले जाइए और उस उचित स्थान पर लगा दीजिए। नंबर चार, किसी तत्व के आकार बदलने के लिए उसे क्लिक करके उसके हैंडल को माउस पॉइंटर द्वारा पकड़कर खींचते हुए उचित स्थान पर सेट कर दीजिए, जैसे किसी इमेज के साथ किया जाता है। नंबर पाँच, आप चाहें तो मास्टर स्लाइड में कोई इमेज या ऑडियो भी जोड़ सकते हैं। सारे बदलाव करने के बाद आप जैसे ही अपनी स्लाइड पर वापस आते हैं तो आपने जो भी बदलाव किए हैं वह आपको आपके प्रेजेंटेशन में दिखाई देने लगेंगे। अब यदि आप चाहें तो दोबारा भी कोई बदलाव कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए मास्टर स्लाइड तैयार कर सकते हैं। अब आता है स्लाइड बैकग्राउंड। स्लाइड बैकग्राउंड एक डिजाइन तत्व है जो स्लाइड की कंटेंट के पीछे दिखाई देती है। ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर से स्लाइड का बैकग्राउंड बनाया जाता है। स्लाइड बैकग्राउंड बदलने के लिए नंबर एक, उस स्लाइड का चयन करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। नंबर दो, नॉर्मल व्यू में स्लाइड का चयन करें। नंबर तीन, स्लाइड मास्टर का चयन करें। नंबर चार, फॉर्मेट बैकग्राउंड का चयन करें। नंबर पाँच, बैकग्राउंड में सेक्शन को भरें, ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और फिल इफेक्ट को चुनें। नंबर छः, फिल इफेक्ट डायलॉग बॉक्स के ऊपर जिन्हें आप सेट करना चाहते हैं उस टैब का चयन करें जिसमें सभी विकल्प शामिल होते हैं और ओके बटन दबाएं। नंबर सात, अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करें। अब आता है अपने प्रेजेंटेशन में ग्राफिक्स को कैसे इंसर्ट करें। पावर पॉइंट आपकी प्रस्तुति में सबसे लोकप्रिय ग्राफिक्स प्रारूपों को सम्मिलित करने की अनुमति देता है। एक तत्व जो आप हर स्लाइड में जोड़ सकते हैं वह किसी भी प्रकार का ग्राफिक्स हो सकता है। एक या सभी स्लाइडों में ग्राफिक्स जोड़ने के लिए नंबर एक, एक स्लाइड को प्रदर्शित करें। नंबर दो, इंसर्ट पर जाएं, तत्पश्चात पिक्चर का चयन करें। नंबर तीन, उस फोल्डर में नेविगेट करें जिसमें वह चित्र है या जिसे आप सम्मिलित करना चाहते हैं। नंबर चार, चित्र फाइल का चयन करें। नंबर पाँच, इंसर्ट पर क्लिक करें। अब आता है कि पावर पॉइंट को कैसे बंद करते हैं। देखिए, मौजूदा पावर पॉइंट स्लाइड की फाइल को बंद करने के लिए मेन्यू बार पर ऑफिस बटन पर जाएं और क्लोज का चयन करें। यदि पहले से उसमें कुछ परिवर्तन किए हैं और उन्हें सेव नहीं किया है तो बंद करने से पहले आपसे फाइल को सेव करने के लिए कहा जाएगा। अब आता है पावर पॉइंट प्रोग्राम से बाहर निकलना। पावर पॉइंट में अपने काम को समाप्त करने और सभी फाइलों को बंद करने के बाद आप मेन्यू बार में ऑफिस बटन पर जाएं, तत्पश्चात एग्जिट पावर पॉइंट कमांड का चयन करके आप पावर पॉइंट से बाहर निकल सकते हैं। धन्यवाद।